चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लॉग से। लॉग के पेपर में 3 से 4-5 क्वेश्चन आए, लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आए, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आए। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन ये है हमारा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ इसको हम पूरे को कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब कितना है 7 की पावर 3/2 की पावर 1/2 यानी 7 की पावर 3/4 हो जाएगा, 3/4 प्लस ये 1 यानी 7/4 हो जाएगा, 7/4 की पावर 1/2 यानी 7/8 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं इसकी पावर 7/8, राइट। अब इसको log n की पावर n से ये आगे आ जाएगा, तो ये बचेगा log of 7/8^7, और ये 1 हो चुका होगा क्योंकि आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है कि log of a^a = always 1 होता है, तो इस वजह से। अच्छा अब log इसको डायरेक्टली आप log m / n का फॉर्मूला लगाएंगे तो log m - log n log of 7^7 - log of 8^7, क्लियर। इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसको लिख सकते हैं 2^3, तो 3 आगे आ जाएगा तो -3 टाइम log of 2^7, ये आपका आंसर आ जाएगा, तो यानी हमारा आंसर सी होगा, क्लियर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है सीरीज से है, यानी जीपी का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन का। तो इसमें कहा जा रहा है इफ एन इनफाइनाइट जीपी हैज द फर्स्ट टर्म एक्स द सम 5 देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यानी फर्स्ट टर्म एक्स दे रखा है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना होता है a/(1 - r), तो एक्स की वैल्यू ये a/(1 - r), क्योंकि फर्स्ट टर्म एक्स दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5। यहां से आप क्या करेंगे कि r की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि वी नो दैट मोड ऑफ r इज लेस देन ऑलवेज 1 फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो यहां से हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं r इज -1 to 1, तो बट एक कंडीशन होती है r इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - r = x / 5, क्लियर। अब यहां से इसको इधर ले आएंगे तो 1 - x / 5 = r। अब r की वैल्यू हम जानते हैं कहां से कहां होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, तो आप 1 - x / 5 इसको लिख सकते हैं -1 to 1, इसमें हम क्या करेंगे -1 कर देंगे सब में, तो ये हो जाएगा -2 से -x / 5 से लेकर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 कर दिया मैंने सभी स्टेप में। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x / 5 0 से लेके 2 हो जाएगा, इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू 0 से लेके 10 आ जाएगी, क्लियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स से पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है दोस्तों कि अगर ए का मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज से करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो हम कह सकते हैं यहां पर जो ए होता है वो क्या होता है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कंडीशन होती है इसका ट्रांसपोज करने पर, ठीक है। इसको टी से भी लिखते हैं बहुत से लोग, इसको डैश से भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर डैश से शो किया गया है, तो आप इसको आप a a' भी लिख सकते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर i आ जाए तो आप कह देते हैं ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। चलिए अब हम ये बात कर लेते हैं, मान लो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर i आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के कैसे होंगे, रेसिप्रोकल होंगे या इनवर्स होंगे। तो हम यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि a'(a)(1), नहीं बात समझ में आई, क्योंकि हमें पता है ये एक दूसरे के इनवर्स है, क्योंकि आप ये भी बोल सकते हैं a'(a)(1) या a'(a)(1), तो हमें ऐसा ऑप्शन यहां पर बी दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन जो है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि देखिए ये कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो क्या दे रखे हैं आपको, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो ये कहा जा रहा है देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर हैज, यानी ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये अपनी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा और ये क्या होगा। तो सबसे पहली बात की जाएगी यहां पर कि इसके रूट अल्फा बीटा है, तो आप मुझे बताएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, माइनस अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का बीटा, क्योंकि ये सम ऑफ रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है इसके लिए। तो यहां से बीटा अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे दोस्तों, -1, अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी। यहां से अगर आप इधर देखें तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा,
अब आप अल्फा की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं यहाँ पे माइनस वन रखने वाले हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। क्लियर, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो जो एक्सप्रेशन होगा वो बन चुका होगा वाई इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस टू। अब ये देखना होगा कि सबसे पहली बात ये बताओ कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट वो नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, जब डाउनवर्ड होगा तो हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलती है, ठीक है। और सबसे पहली बात इसका डी भी चेक कर सकते हैं आप, तो वैसे इसके दो तरीके मैंने बता रखे हैं आपको, एक तो डायरेक्ट तरीका होता है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस का टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन टू। एक्स की इस वैल्यू को आप डायरेक्ट इसमें आप पुट कर दो तो डायरेक्ट वाई मैक्स आ जाएगा आपका, वाई मैक्स मैक्स ही आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का वन अपॉन फोर माइनस माइनस का प्लस वन अपॉन टू प्लस टू, ये हो जाएगा आपका फोर फोर प्लस वन यानी फाइव अपॉन टू माइनस वन अपॉन फोर प्लस फाइव अपॉन टू, इसमें टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो टेन टेन में से एक गया यानी नौ, नौ बट्टे चार क्या आ गया ये इसकी वाई मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो नौ बट्टे चार आपका आंसर है, तो क्या हो गया ग्रेटेस्ट वैल्यू नाइन बाई फोर। यस ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है बायनोमियल थ्योरम से, तो क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3 के x की पावर 4, तो मिडिल टर्म किस पे डिपेंड करता है n पर, यहां n कैसा है इवन, इवन है तो मिडिल टर्म जो हुआ करता है वो ये हुआ करता है t n / 2 + 1, ये जो टर्म आता है वो आपका डायरेक्टली मिडिल टर्म को बताता है, तो इसके लिए एक्सपेंशन आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी थर्ड टर्म होगा हमारा, इसको ओपन कैसे करेंगे 4c2 फर्स्ट टर्म 2 की पावर 4 माइनस 2 एंड 3x की पावर 2 यानी ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो अब इसको 4c2 का मतलब कितना होता है बच्चों 6, क्लियर। अच्छा ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4 और 3 का यानी स्क्वायर यानी 9 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, हमें केवल कोएफिशिएंट पूछा गया तो ये हमारा आंसर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 9, ठीक है इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और एलसीएम कितना सॉरी कैरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 18 यानी 216 आपका ये आंसर हो गया, क्लियर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए अरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का बहुत सिंपल है, देखो 2x2 इसका ऑर्डर है, अब हमें डायरेक्ट इसका एडजॉइंट बताना है, मान लो कि ये ए मैट्रिक्स है कोई, तो एडजॉइंट बनाना कितना आसान है कि सबसे पहली बात तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे कि इसको इसको आपस में बदलते हैं, अच्छा बदलेंगे तो ये तो सेम ही रहेंगे, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये भी cos माइनस थीटा है cos माइनस थीटा cos थीटा रहेगा, इन एलिमेंट को आपस में बदलते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं, अच्छा इनके साइन चेंज करेंगे क्या, क्योंकि ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो ये प्लस का साइन थीटा, तो ओवरऑल ये आएगा माइनस का साइन थीटा, और ये भी प्लस साइन थीटा है तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये डायरेक्टली आपका ये एडजॉइंट आ जाएगा, आगे बात समझ में नहीं आई, ये डायरेक्ट क्या आ गया एडजॉइंट, ये आपका आंसर है, क्लियर बहुत सिंपल है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पार्ट है, तो हमने पहले बता रखा है बच्चों ये जो वैल्यू होती है ये होती है ओमेगा की और ये वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 है और ये हो जाएगा आपका ओमेगा की पावर 6 है, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर होता है आप लिख सकते हैं ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके इक्वल टू हमें पूछा जा रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे एन की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, एन की वैल्यू सपोज दैट आपने मान लो 1 रख ली या 2 रख ली कुछ भी रख सकते हो आप, 1 रख ली जैसे आपने, तो ये बचेगा आपका ओमेगा क्यूब और ये हो जाएगा आपका ओमेगा ओमेगा की पावर 6। अब आप ये जानते हैं इसमें डिवाइड किससे करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा क्यूब तो डायरेक्ट 1 होता है 1 प्लस, इसमें भी 3 से डायरेक्ट डिवाइड जा रहा है यानी ये भी डायरेक्टली 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आने वाला है 2, राइट यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन जीपी से आया हुआ है, इफ द सेकंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 इन द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म इज 8, सेकंड टर्म का बच्चों मैंने क्या हुआ ए आर इक्वल, तो आपको 2 ले रखा है
और a upon 1 minus r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8 दे रखी है। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो a equal to इसको लिख सकते हैं आप 8 minus 8r और a की वैल्यू लगा लो यहां से 2 upon r तो 2 upon r equal 8 minus 8r इसको आप इससे 4 टाइम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 equal to 4r minus 4r square क्लियर। इसको लिख सकते हैं आप 4r square minus 4r plus 1 equal to 0। आप इसको गौर से देख लें तो ये लिखा हुआ है a square plus b square minus 2ab यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2r minus 1 का whole square क्लियर। आप गौर से देखो ये लिखा है a square plus b square minus का 2ab तो यानी r की वैल्यू क्या आ गई यहां से 1 upon 2। अगर r की वैल्यू 1 upon 2 है तो a की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी आपको कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी राइट। तो जो इनफाइनाइट जीपी बनेगी वो बनेगी 4 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 दो टर्म से पता चल जाएगा यानी कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन है करेक्ट ठीक है। हां बच्चों ये क्वेश्चन जो है देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं सीरीज का क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा। इसमें ये कहा जा रहा है इफ ए बी सी आर इन AP और GP और HP then A minus B upon B minus C is equal to यानी ये अगर AP में होते हैं तब क्या कंडीशन होगी उसमें लिखने पर GP में होंगे तब क्या कंडीशन होगी HP में होंगे तब क्या होगी। इसको देखो हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं अगर AP GP और HP इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो A और B और C की वैल्यू हम जो बच्चों लेट करते हैं वो होती है 1 2 3 ये AP के लिए होती है GP के लिए होती है 1 2 4 HP के लिए होती है बच्चों 2 3 6 ये वैल्यू आप डायरेक्टली इसमें पुट कर देते हैं तो जैसे मान लो पहले 1 2 3 करते हैं तो 1 और 2 करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों पहले केस में आ जाएगा -1 अपॉन b minus c करेंगे नीचे तब भी -1 यानी ओवरऑल बना रहा है राइट। सेकंड केस में देखते हैं बच्चों a minus b करेंगे तो 1 minus 2 करेंगे तो -1 नीचे करेंगे b minus c यानी 2 minus 4 यानी minus का 2 माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 बच्चों यहां देख के बोल सकते हैं एक तरीके से लिखा हुआ है a अपॉन b राइट कि भाई ये a की वैल्यू है ये b की वैल्यू है। अब बात कर लेते हैं hp की hp में अगर बात की जाए बच्चों तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 यानी बच्चों कितना हुआ -1 अपॉन 3 - 6 करेंगे नीचे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 यानी 1 से 3 कैंसिल आउट। तो बच्चों यहां पर जो है थोड़ा सा ये लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा कि ऊपर जैसे 1 बच रहा है इसमें 2 3 6 के केस में ऊपर आ रहा है -1 और नीचे आ रहा है 6 तो पहले हमें लॉजिक ट्विस्ट लगाएंगे यहां पर कि सबसे पहला टर्म क्या आ रहा है 1 अब देखो आपके a upon b आ रहा है क्या a upon b हमारे दो ऑप्शन हो रहे हैं। अब बात आ जाती है a upon c की और c upon a की तो यहां से जो नीचे 3 आ रहा है 3 हमारा यहां टर्म क्या मान के चल रहा है b टर्म मान के चल रहा है तो 3 यहां पर एग्जैक्टली थोड़ा बड़ा आ सकता है a तो छोटी वैल्यू होगी उससे वैल्यू आप देख रहे हैं बढ़ रही है तो बड़ी वैल्यू आ सकती है इसके चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे तो ये शॉर्टकट हो सकता है। अदरवाइज एक और ऑप्शन होता है hp के लिए कि आप 1 1/2 1/3 वो लेट्स कर सकते हैं वो वैल्यू कर सकते हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट टाइप होता है तो आपको इस टाइप से अप्रोच करनी है और आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं क्लियर ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये पीएनसी का क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग ऑल द डिजिट 3 4 एंड 5 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड यानी आपको जो नंबर बना रहे हैं टोटली वो 3 डिजिट वाले हैं 3 डिजिट वाले नंबर हैं और उसमें कौन-कौन से डिजिट यूज कर सकते हैं 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन तो आप पहले वाले को भरने के आपके पास रास्ते कितने हैं 3 दूसरे वाले को भरने के रास्ते 2 और लास्ट वाले को भरने के रास्ते 1 यानी आप जानते हैं कितने नंबर पॉसिबल है 6 नंबर पॉसिबल है उन 6 नंबरों का पूरा आपको सम करना है जैसे क्या नंबर हो सकते हैं जैसे मान लो एक नंबर हो सकता है 3 4 5 ठीक है एक हो सकता है 3 5 4 फिर 4 वाला लिखो आगे 4 5 4 3 5 और आप लिख सकते हैं 4 5 3 फिर 5 वाला 5 3 4 और 5 4 3 ये 6 नंबर हो गए इनका सम पूछा जा रहा है बच्चों तो डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे 5 तो 5 10 और 4 14 और 3 17 17 और 4 21 21 और 3 24 का 4 और कैरी कर दिया 2 अब यहां से 5 और 5 10 और 4 14 और 3 17 17 और 3 17 और 3 21 21 और 4
पांच और पांच दस, दस और चार चौदह, और तीन सत्रह, सत्रह और तीन बीस, और चार चौबीस, सम तो वही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, छब्बीस, छब्बीस का छह कैरी करेंगे दो, फिर से वही आ रहा है सम, तो पांच और पांच दस, दस और चार चौदह, चौदह और चार अठारह, अठारह इक्कीस और चौबीस, चौबीस में और दो कर देंगे तो छब्बीस चौसठ, सम तो सेम ही रहेगा ना सभी का, तो छब्बीस चौसठ यानी आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। ये क्वेश्चन जो है देखिए फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस आर इक्वल बी डी वन एंड डी डी टू आर रेस्पेक्टिव डिस्क्रिमिनेंट देन व्हाट इज द डी वन अपॉन डी टू इक्वल टू। मान लीजिए कि ये कहा जा रहा है, मान लो जैसे इसके रूट सपोज दैट कि मान लो अल्फा और बीटा है, क्लियर, और इसके रूट मान लीजिए अपने कि गामा और डेल्टा है, गामा और डेल्टा है, दोनों के जो रूट्स का रेशियो वो सेम है, तो आप कह सकते हैं अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू गामा अपॉन डेल्टा, ये कहा जा रहा है। तो आप इसको आगे देखिए, इसमें हमने कर दिया अप्लाई सी एंड डी, अप्लाई सी एंड डी, ये क्या होता है कंपोनेंट डिवीजन, यानी इसको योगांतर अनुपात कहते हैं, अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इक्वल गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा माइनस डेल्टा। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट अपॉन डी वन, बी वन अपॉन ए आएगा, राइट, और इधर क्या आएगा ये आएगा आपका माइनस का पी अपॉन माइनस का बी अपॉन माइनस का क्यू अपॉन पी, राइट, और अंडर रूट में डी टू डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ रूट है तो रूट में डी टू अपॉन ए की वैल्यू क्या है पी, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, अब हम डी वन को उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बी अपॉन क्यू इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ डी वन अपॉन डी टू, अब इस वो स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल डी वन अपॉन डी टू, ये हमारा आंसर, यानी बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज क्लियर आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है रेट बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है रेट बेस्ड, तो ये क्वेश्चन हमारे क्लासरूम में बहुत बार किया गया है, क्योंकि आप जानते होंगे जेईई मेंस ने भी पूछ रखा है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है आज तक, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या स्ट्रेटेजी है इस क्वेश्चन की कि आपको सबसे पहले क्या इस पूरे क्वेश्चन को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको साइन में कन्वर्ट करना आसान है बच्चों, कॉस में, देखो कॉस में करना बहुत आसान है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू कॉस की पावर फोर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, राइट। अब आप इसको लिखेंगे कॉस में, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो सबसे पहले ये तो आपका सबसे मैन मतलब मैन कॉस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस टर्म के बारे में सोचना है तो इसका इसका कोएफिशिएंट कितना है वन, उसका हाफ करो, हाफ का स्क्वायर करो, यानी वन बाई फोर आप इसमें ऐड कर दो और वन बाई फोर ही आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इन तीन टर्म से मिला के ये डायरेक्टली बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, और प्लस लास्ट में क्या बचेगा थ्री अपॉन फोर। अब फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम बात हो रही है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों होती है जीरो से वन, जीरो से वन इन क्लोज इंटरवल, और माइनस का वन अपॉन टू इसका स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन फोर, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो ये डायरेक्टली अगर आप जीरो में माइनस वन बाई टू करेंगे, जीरो में माइनस वन बाई टू करेंगे तो कितना आएगा माइनस का ही वन बाई टू, और वन में माइनस वन बाई टू करेंगे तो प्लस का वन बाई टू, और इसका हो रहा है स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर। अच्छा वैल्यू दोनों सेम लिखी हुई है, बीच में जीरो पड़ता है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे जैसे स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करते समय ये हो जाएगा जीरो से वन अपॉन फोर, ये मिनिमम ये मैक्सिमम प्लस थ्री बाई फोर। अब थ्री बाई फोर जो वैल्यू है इसको अलग अलग हम ऐड कर देंगे तो ये डायरेक्टली हो जाएगा थ्री बाई फोर से वन, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस वजह से बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके बच्चों ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सर्कल चैप्टर से, सर्कल चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, ये कहा जा रहा था इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर x1 y1 एंड x2 y2। बच्चों हिंदी में डायमीटर को व्यास कहते हैं,
तो ये काला जैसे मान लो कोई एक सर्कल है, ये कोई एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, तो सेंटर पे सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है जो कि मतलब जो कि हमारे सेंटर से पास होती है, तो हमें दो पॉइंट गिवन हो रहे हैं, एक तो ए दे रखा है आपको x1, y1 एंड बी कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको x2, y2। अब आपसे एक क्वेश्चन ऑफ सर्कल पूछ जा रहे हैं, तो बच्चों एक आप जानते होंगे कि अप्रोच होती है कि मान लो यहां से इस पे और इस पर कोई एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x y, क्योंकि लोकस के लिए तो यही पॉइंट लिया जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी ये होती है कि सेमी सर्कल में बनाया गया एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो जैसे मान लो ये स्लोप m1 है और ये स्लोप m2 है, क्लियर, ये प्रॉपर्टी होती है। तो जब ये 90 डिग्री पर मिल रहे हैं तो हमें कंडीशन क्या लगानी चाहिए, m1 m2 इक्वल टू -1, तो इन दोनों की स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी y - y1 / x - x1 (O), इसकी स्लोप आ जाएगी y - y2 / x - x2 (-1)। अब इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि y - y1 ((y - y2) - x - x1 (x - x2)। इस सब को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x - x1 (x - x2) + y - y1 (y - y2) = 0। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्लियर। ठीक, देखिए बच्चों बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है। आप जानते हैं 10th क्लास की प्रॉब्लम कह सकता हूं मैं, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ये कोई दो लाइन है इनके बीच का आपको एंगल बताना है। तो इसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, tan थीटा इक्वल टू लिटिल में मोड ऑफ m1 - m2 / 1 + m1 m2, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें कि आप m1 m2 इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो m1 की वैल्यू आने वाली है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा l माइनस का l अपॉन m, राइट, इसको उधर पहुंचा दें तो माइनस का l अपॉन m, राइट, और वो हो जाएगा आपका माइनस का l डैश अपॉन m डैश, तो वो प्लस हो जाएगा l डैश अपॉन m डैश अपॉन 1 + 1 + दोनों का मल्टीप्लाई यानी l l डैश अपॉन m m डैश, नेगेटिव नेगेटिव में तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, इसको हम कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, m m डैश l से आ जाएगा, नीचे भी आएगा कट जाएगा, तो ऊपर आने वाला है m l डैश माइनस l m डैश अपॉन m m डैश प्लस l l डैश, ये डायरेक्टली, तो ये tan थीटा इक्वल आ जाएगा डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ, अच्छा ये पूरा tan इनवर्स थीटा ही दे रखा है आपको, डायरेक्टली आप tan इनवर्स से कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, अभी जो आ रही है ये आपका आंसर है, ये डायरेक्ट आपका आंसर है, क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज आया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y = mx + c1 and y = mx + c2। तो आप जानते हैं दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला आपने बता रखा है परपेंडिकुलर फॉर्म से, तो डायरेक्टली आता है मोड में c1 - c2 / √1 + m2, जो कि यही दे रखा है हमें, इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज बिल्कुल सेम स्टेटमेंट यही है, तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा, तो ये भी करेक्ट है। अच्छा ये क्या है, x = c1 and x = c2, जैसे मान लो xy प्लेन ये है, ये ओरिजिन है, तो c1 मान लो कोई डिस्टेंस ये है, ये कोई डिस्टेंस है x = c1, ये लाइन तो x = c1 की हो गई, और एक लाइन दे रखी है आपको x = c2, तो हमें पता है कि इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ये भी पैरेलल लाइन है, तो बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी c2 - c1, या आप ये भी कह सकते हैं एक तरीके से c1 - c2 कह दो, डिटरमिनेंट मोड लगा दो, तो कुल मिला के एक ही बात हुई, यानी ये बात भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट ये करेक्ट है, क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन भी बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, जो कि चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, यानी इन दोनों लाइंस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही लाइन और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप एट ए ट्राई से भी कर सकते हैं, यानी शॉर्टकट मेथड से, कि अगर आप एक काम करो इस लाइन को बना लो कि L1, ये पहली लाइन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3x + 2y = 6, और ये हो जाएगी 2x + 3y = 6,
ठीक है, ये L2 हो गई, ये दोनों लाइन हो गई। अब इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे आपको, तो आप एक काम करो 2 का इसमें और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसको घटा दो। आप घटा देंगे तो आप ये जानते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 9x + 4x गया यानी 5x और इधर आ जाएगा 18 में से 12 गया, 18 में से 12 गया यानी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो कितना 18/5 - 6 - 12/5 2 से 2 खत्म, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5। तो एक ट्रिक तो ये होगी कि ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही हो डायरेक्ट चेक करा सकते हैं, जैसे मान लो x की जगह क्या रखना है 6/5, 6/5 करेंगे तो 24 आ जाएगा ये, राइट, 5 * 20 और 6 * 24 क्लियर। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 बार जाएगा 5 * 30, तो हम जानते हैं 30 और 24 54 होता है, ये कट कटा के पूरा 0 आ जाएगा क्योंकि -54 लिखा है पीछे, -54 लिखा है तो ये कट जाएगा सब बराबर 0, यानी ये आंसर हमारा करेक्ट है। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा दूसरा इसका सही तरीका क्या होता है, मान लो जो आपको लाइन दे रखी है उसके पहले लाइन लिख लो, जैसे ये लाइन क्या है सर 4x 5 - यहां कांस्टेंट की जगह लगा लेते हैं लैम्डा। अब ये लाइन जो है ये लाइन किससे पास हो रही है, एंड पॉइंट से पास हो रही है, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो रख देते हैं 6/5 = 24/5 और 30/5 यानी 54/5, तो लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 54/5। ये वैल्यू आप इसमें रख दो, इसमें रख देंगे 54/5 तो डायरेक्ट आंसर आएगा 5 का मल्टीप्लाई क्रॉस कर दिया इसने, तो 20x + 25y - का 54 = 0। ये थोड़ा तरीके से हो जाएगा बस, ठीक है, दोनों ही तरीके हैं, आप इस क्वेश्चन को फास्ट भी कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो प्लेन पॉइंट है, प्लेन से, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों कि पॉइंट और एक प्लेन के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, तो हम सीधा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि पॉइंट से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम प्लेन पर, तो डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी। तो हम इसका फॉर्मूला होता है हमारा 3 × 1st point कितना है 2 - 6 एंड 2nd point 3 + 2 × 3rd point क्या है आपका z कोऑर्डिनेट 4 + 11 का डिटरमिनेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² 9 + b² 36 + c² 4, राइट। तो ये बच्चों ये हो जाएगा 6 - 18 और ये हो गया 8, यानी 6 और - 18 यानी कितना, ये बच्चा माइनस का 12 और ये प्लस का 8, माइनस का 12 प्लस का 8 यानी -4 -4 + 11 यानी 7 अपॉन, देखो ये हो जाएगा 49 यानी ये भी 7, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया रिजल्ट 1 यूनिट, राइट, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पीएनसी से है, फिर दोबारा से पीएनसी के हमने देखा आज के कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन ये है देयर आर 17 क्रिकेट प्लेयर आउट ऑफ व्हिच 5 प्लेयर्स कैन बॉल, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड सो एज अ टू इंक्लूड 3 बॉलर्स। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे 17 क्रिकेट प्लेयर है हमारे पास, उनमें से 5 प्लेयर जो है वो केवल बॉल करते हैं, तो कितने प्रकार से टीम को हम 11 प्लेयर की टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि 3 बॉलर हो। तो सबसे पहले हम एक साइड लिख लेते हैं बच्चों बॉलर, ठीक है, इस तरीके से बॉलर्स लिख लेते हैं और एक साइड लिख लेते हैं हम लोग बैट्समैन, क्लियर, बैट्समैन लिखा हमने। तो अब हमें यह देखना है कि हमारे पास टोटल बॉलर कितने हैं, बॉलर कितने हैं बच्चों 5 बॉलर है, कितने में से 17 में से, तो 5 बॉलर हो गए, ठीक है, तो फिर ये कितने रहे होंगे बैट्समैन, कितने रहे होंगे 12 रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि बाकी के तो बैट्समैन ही बचे। तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि 11 प्लेयर की टीम बनानी है जिसमें 3 बॉलर हो, तो 5 में से 3 तो आपके पास बॉलर हो, ठीक है, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, केवल 3 बॉलर आए हैं, अभी 8 बैट्समैन की जरूरत है, तो 12 में से आप क्या करेंगे 8 बैट्समैन ले लेंगे, तो कंप्लीट आपका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा कि 12c8 × 5c3। अच्छा आईटीजी वालों ने कुछ क्या है कि देखो एनसीआर को वो लोग इस तरीके से भी लिख दिया था एक दो एग्जाम में, तो इस वजह से ये चीज रिपीट हो रही है, तो 12c8 का मतलब ये रहा आपका आंसर 12c8 × 5c3, ये ऑप्शन करेक्ट है, ओके। देखिए और क्वेश्चन देखिए लॉग से पूछा गया क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 27 टू द बेस 9 प्लस log ऑफ 32 टू द बेस 8 इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप 3 में कन्वर्ट करें इसको, तो आप लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 9 को लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर, राइट, प्लस इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 बच्चों और 8 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3। अब हम आपको फार्मूला बताएंगे, जैसे हमने फार्मूला आपको लिखाया है कि फार्मूला होता है log of a की पावर m और टू द बेस b की पावर n, तो इस केस में हम क्या करते हैं डायरेक्ट आंसर लिखते हैं m अपॉन n, यानी ये नंबर आ गया और ये नंबर नीचे आ जाता है और log of a टू द बेस b बचेगा, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा, इधर बचेगा log of 3 टू द बेस 3 प्लस इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बचेगा क्या log of 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो मिला क्या 3 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 3, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 9 प्लस ये हो जाएगा 10, तो 19 अपॉन 6 आपका आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट, ओके। देखिए ये बच्चों ये क्वेश्चन जो है फिर दोबारा मैट्रिसेस से है और क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सम ऑर्डर सेम ऑर्डर देन व्हाट इज द ए बी इनवर्स। देखिए इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव करा रखी है बच्चों कि किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके उसका इनवर्स करने पर ये रिवर्स प्रोसेस होता है कि डायरेक्टली बी इनवर्स ऑफ आप ए इनवर्स करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। देखिए ये एक और बहुत इजी क्वेश्चन मैट्रिक्स वालों ने पूछा, मैट्रिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द मैट्रिक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स, यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, तो आप जानते हैं उसका इनवर्स कब नहीं आ सकता, जब मॉड ए इक्वल टू जीरो हो जाए, तो मॉड इक्वल जीरो करेंगे तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यानी हो जाएगा 2x प्लस 32 राइट इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू माइनस 16 ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखिए फिर से बायनोमियल थ्योरम का ही क्वेश्चन है, बायनोमियल थ्योरम से ये क्वेश्चन पूछा गया है लेट द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 2 n बी अल्फा एंड दोज ऑफ टू मिडिल टर्म्स ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 2 n - 1 बी बीटा n गामा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ये कहा जा रहा है बच्चों कि इस एक्सपेंशन के अंदर जो मिडिल टर्म है वो उसका कोएफिशिएंट जो है वो अल्फा है और इसके अंदर जो है डेफिनेटली क्योंकि अगर इसका देखो पावर ऑड है तो डेफिनेटली दो मिडिल टर्म आएंगे जो कि किसको दे उसके कोएफिशिएंट क्या दे रखे हैं आपको बीटा एंड गामा, तो हम करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डायरेक्ट मैट्रिक्स से करता हूं मैं आपको इसके एक ट्रिक बता देता हूं, दोनों ही एक्सपेंशन में आप n की वैल्यू 2 फिक्स कर लो तो पहला कितना हो जाएगा 1 + x की पावर 4 इसमें टोटल टर्म कितने होंगे 5, तो डायरेक्टली मैं बताऊं इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो हो जाता है nc2 मिडिल टर्म होता है ना वो ny2 प्लस 1 ये टर्म होता है तो ये आ जाएगा t2 + 1 तो थर्ड टर्म जो है थर्ड टर्म आएगा इसका मिडिल टर्म है क्या नहीं क्योंकि 5 टर्म होंगे इसमें तो डायरेक्ट कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा इसका 4c2 ये वैल्यू किसकी है बच्चों अल्फा की। अच्छा इसमें n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 + x की पावर 3 हो जाएगा राइट 3 हो जाएगा तो इसमें टोटल टर्म कितने होंगे 4 टर्म होंगे क्या क्या फॉर्मूला होगा 3 + 1 upon 2 and 1 + 3 upon 2 ये टर्म होते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 upon 2 यानी दूसरा टर्म t2 देखो 4 upon 2 ये हो जाएगा 6 upon 2 यानी t3 तो दूसरा और तीसरा टर्म इसको लिख सकते हैं 1 plus यानी इसको क्या लिखेंगे t2 को 1 plus 1 तो यानी ये हो जाएगा 3c1 ये बीटा हो गया एंड ये हो जाएगा 3c2 राइट 3c2 एंड 3c1 तो सबसे पहले आपने अल्फा की वैल्यू देखी अल्फा की वैल्यू जो आ रही है अल्फा की वैल्यू 4c2 का मतलब बच्चों 6 होता है। अच्छा मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर बीटा की और गामा की वैल्यू तो 3c1 का मतलब बच्चों कितना हुआ फैक्टर 3 / फैक्टर 1 यानी फैक्टर 3 यानी 3 आ जाएगा
और 3c1 या 3c2 का तो मतलब सेम ही होगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू 3c2 की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल आ रहा है, तो अल्फा इक्वल बीटा प्लस गामा, राइट। आप इस तरीके से n की वैल्यू और भी कुछ रख के ट्राई कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं और हमारा रिलेशन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा बच्चों, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे इससे पहले मेरे कुछ और भी मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, कुछ टेक्निकल एरर रहने के कारण वो थोड़े वीडियो छोटे थे और मेरा कुछ नेक्स्ट वीडियोस आने वाला है, तो मैं इसलिए कहूंगा कि अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें और साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें भी आइडिया रहेगा कि मतलब आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या कोई दिक्कत है, तो हम आगे आने वाले वीडियो में इंप्रूव करेंगे और हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है। तो हमारा अगला वीडियो कुछ देर बाद फिर आने वाला है।